हेलो व्यूअर्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारी गाड़ी को हम खड़ी रख के एक घंटे एसी चलाएं तो कितना फ्यूल कंज्यूम होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप, इसमें फ्यूल फिल कराने, और मैंने एक कैन भी साथ में ले ली है, और बाकी का फ्यूल जो है हम कैन में भरवा लेंगे। तो प्रोसेस हमारी ये रहेगी कि सबसे पहले हम कार को करेंगे फुल टैंक, फिर एक घंटे एसी चलाएंगे, फिर जितना फ्यूल कंज्यूम हुआ होगा वो हम बाद में नाप के फिल करेंगे, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि एक घंटे में एसी चलाने में कितना फ्यूल लगा। तो ये आ गया हमारा पेट्रोल पंप। तो यहाँ पर मैं फुल टैंक करा रहा हूँ, और उसके बाद जो वो मैं कैन लेके आया हूँ उसमें बाकी का डीजल डला लूंगा। तो यहाँ पर मैं 1500 का डीजल इसमें करा रहा हूँ, लगभग ये फुल हो गई है, और बाकी के लिए मैं जो कैन लेके आया था इस कैन में मैं बाकी का डीजल डला ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैं कैन को भी फुल करा रहा हूँ, इसमें मैं तकरीबन 5-6 लीटर के आसपास डीजल इसमें भरा लूंगा। तो यहाँ पे 2000 रुपये का मैंने टोटल डीजल ले लिया है 1500 का गाड़ी में, और 500 रुपये का मैंने इस कैन में भर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं लगभग 5.5-6.5 के आसपास में डीजल होगा। तो यहाँ पे आप फ्यूल मीटर की स्विच देख पा रहे हैं, ये फुल पर है। तो अब चलते हैं घर और चेक करते हैं एक घंटे एसी चलाने में मेरी गाड़ी कितना डीजल लेती है। तो ये हम आ गए हैं अपने घर, और आप देख सकते हैं मेरी कार, ये रही होंडा BRV, इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, और यही इंजन WRV और होंडा सिटी में भी आता है। तो अभी मैं आपको इसका फ्यूल मीटर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये F पे स्विच दिखा रही है, बट इसके बाद भी कुछ 1-2 लीटर के आसपास डीजल इसमें जाएगा। तो हम जो कैन में डीजल लेकर आए थे वो डीजल हम इसमें और फिल करेंगे। और आप टाइम देख सकते हैं 29 मई और 1:52 अभी हो रहे हैं। तो ये हम अपना जो डीजल लेकर आए थे ये कैन निकाल लेते हैं, और इस कीप की सहायता से हम इसमें डीजल और डालेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं डीजल फुल करा के हम आए हैं, पर इसके बाद भी 1-2 लीटर डीजल इसमें आ सकता है, क्योंकि कभी भी डीजल या पेट्रोल मुंह से फुल नहीं कराना चाहिए, थोड़ी सी एयर इसमें हमेशा रहनी चाहिए। बट हम यहाँ फ्यूल कंजप्शन चेक कर रहे हैं, तो हम अपनी रिस्क पे टैंक को मुंह से फुल कर रहे हैं। आई थिंक कीप से इसमें डीजल नहीं जाएगा, क्योंकि कीप जो है वो छोटी है और डीजल जो हमारा है वो नीचे फैल रहा है। तो हम 1 लीटर की बोतल में पहले डीजल भरेंगे, और फिर इस बोतल से हम अपनी गाड़ी में डीजल भर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैं डीजल इसमें डाल रहा हूँ। तो ये पूरा 1 लीटर डीजल इसमें जा चुका है, और अभी भी ये फुल नहीं हुआ है मुंह से, तो हम इसमें अभी और 1 लीटर डीजल डाल रहे हैं। तो यहाँ पे और डीजल मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डीजल जो है वो बिल्कुल फुल हो चुका है, वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये आप देख पा रहे हैं ये डीजल बाहर भी फैलने लगा है, मतलब ये पूरी तरीके से फुल हो चुका है। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये रहा डीजल जो फैला हुआ है, और ये बिल्कुल मुंह से फुल है, इसमें किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं है कि इसमें और डीजल हम डाल पाए। तो अब हम इसका कैप कर रहे हैं बंद, और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो अभी आप टाइम देख पा रहे होंगे 2:06 हो गए हैं,
तो यहाँ हम गाड़ी को एक घंटे स्टार्ट रखने वाले हैं और एसी को ऑन करेंगे एक घंटे के लिए। फिर एक घंटे बाद देखेंगे बाकी डीजल डाल के कि कितना इसमें डीजल कंज्यूम हुआ। तो अभी आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी टाइम देख पा रहे होंगे, इसमें 2:05 दिखा रहा है और म्यूजिक सिस्टम में हमारा टाइम 2:06 आ रहा है। यहाँ पे मैं एसी ऑन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कूलिंग मैंने इसकी फुल कर दी है, ये 19 और ये लो। यहाँ पे टाइम था 2:06 और एसी मैंने कर दी है यहाँ पे ऑन। और यहाँ पर मैं कंटिन्यू एक घंटे की वीडियो बनाने नहीं जा रहा हूँ, मैं अब हर 10-15 मिनट में आपको दिखाता रहूँगा। और तब तक इसमें बैठे बैठे हम लोग सॉन्ग एंजॉय करते हैं और आप भी वीडियो एंजॉय करें। और यहाँ पर मैं अपने मोबाइल का टाइम भी दिखा देता हूँ, ये मेरे मोबाइल में टाइम हो रहा है 2:09, जो कि स्टीरियो में भी यही टाइम शो हो रहा है हमें। और ये मैं गाड़ी से बाहर आ गया हूँ, तब तक मैं आप लोगों को अपना मैं वूफर जो मैंने रखवाया था वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा ब्लोपंग का वूफर, जो कि एक एक्टिव सब वूफर है और इसका बेस भी हमें सफिशियंट मिल जाता है। बहुत ज़्यादा लाउड तो मैं नहीं कहूँगा पर कार के अंदर सुनने के लिए ये सफिशियंट है। और 7-सीटर कार या फिर छोटी कार हो या अल्टो वगैरह, उनके लिए ये बूफर बेस्ट है क्योंकि ये जगह भी बहुत कम लेता है। तो यहाँ पे टाइम हो गया है 2:12, अभी 50 मिनट लगभग और हैं। तो यहाँ पे टाइम हो गया है 2:20 और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे टाइम 2:19। तो यहाँ पर आधा घंटा पूरा हो गया है, 2:36 आप टाइम देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो हमारी फ्यूल की सुई है उसमें 1% भी उसमें गिरावट नहीं आई है। तो टाइम हो रहा है अभी 2:46। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे टाइम हो रहा है 2:45। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 1 मिनट पीछे का टाइम में सेट है। यहाँ पे आप टाइम देख पा रहे होंगे 2:56, लगभग 50 मिनट पूरे हो गए हैं, केवल 10 मिनट और हमें चेक करना है। तो ये हमारा 1 घंटा हो गया पूरा और ये आप टाइम देख पा रहे होंगे 3:05, जो कि पहले 2:05 था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। और म्यूजिक सिस्टम में आप यहाँ पे टाइम देख पा रहे होंगे 3:06 और जो कि यहाँ पर पहले टाइम था 2:06। तो हमारा 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, ये यहाँ पे जैसे 3:06 होगा और मैं गाड़ी को ऑफ कर दूंगा। तो जैसा कि आप टाइम देख पा रहे हैं ये हो गया है 3:06 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे और म्यूजिक सिस्टम में हमारा टाइम दिखा रहा है 3:07। तो ये मैं कर रहा हूँ इग्निशन ऑफ और ये आप टाइम देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3:07 हमें साफ साफ दिख रहा है।
तो अब चलते हैं, देखते हैं कितना लीटर डीजल हमारा कंज्यूम हुआ है। तो जब हमने ये प्रोसेस स्टार्ट की थी, हमारा जो डीजल था बिल्कुल ये इसके मुंह से था। अभी हम इसमें डीजल और डालेंगे और देखते हैं कितना लीटर डीजल इसमें लगता है। तो हम इसको मापने के लिए एक मग यूज कर रहे हैं जिसमें साफ साफ मीटर इसमें शो हो रहे होंगे। ये 1000 ml का ये मग है। तो अब हम पहले डीजल इसमें भरेंगे, फिर इससे नाप के बोतल में भरेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मैं 1000 ml डीजल ले रहा हूँ। अब ये मैं भरने वाला हूँ एक बोतल में। तो अब ये डीजल जो है हम इसमें डालेंगे और देखते हैं कितना डीजल इसमें बनता है। तो ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डीजल बचा हुआ है। तो ये डीजल भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं पूरा 1 लीटर डीजल इसमें जा चुका है। और अब देखते हैं कितने ml और इसमें डीजल लगेगा। वैसे टैंक जो है वो हमारा फुल हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, और ये बोतल पूरी खाली हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे केवल 100 ml डीजल ही लेंगे क्योंकि गाड़ी का टैंक जो है हमारा फुल हो चुका है। तो लगभग 100 ml डीजल ही इसमें जा पाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मैंने 100 ml डीजल ले लिया है और वापस इसको बोतल में भरेंगे क्योंकि मग से डीजल डालने में उसमें दिक्कत होगी, इसलिए मैं बोतल का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये रहा 100 ml डीजल और अब इसको टैंक में डाल के देखते हैं कितने ml डीजल टैंक में जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये डीजल इससे फैलने लगा है, मतलब ये फुल हो चुकी है। और ये 100 ml डीजल था, ये भी पूरा इसमें नहीं गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साफ साफ ये डीजल हमें इसमें दिख रहा है। और बोतल में भी लगभग 50 ml के आसपास डीजल इसमें बचा हुआ है। तो मतलब 1 लीटर 50 ml डीजल कंज्यूम हुआ है 1 घंटे गाड़ी खड़ी करके एसी चलाने में। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।